पब्लिक टीवी आपकी आवाज। तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के आज दूसरे दिन भाजपा उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह ने नामांकन कराया। इस दौरान उन्होंने भारी संख्या में गाड़ियों के काफिले के साथ अपने गांव से लेकर कलेक्ट्रेट से पहले कंपनी बाग तक रोड शो निकालकर अपनी ताकत का एहसास कराया। वहीं मंदिर में पूजा करने के बाद नामांकन कराने के लिए निकले सर्वेश सिंह ने कहा कि वे इस बार भी लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। उनके नाम का ऐलान होते ही कांग्रेस उम्मीदवार राजबब्बर मैदान छोड़कर भाग गए हैं। आपको बता दें कि आज मुरादाबाद लोकसभा सीट पर सिर्फ भाजपा उम्मीदवार सर्वेश सिंह ने ही पर्चा दाखिल किया है, जबकि पहले दिन कम्युनिस्ट पार्टी के विजय कुमार ने नामांकन कराया था। सर्वेश सिंह मौजूदा सांसद भी हैं, उन्हें पार्टी ने भरोसा जताते हुए फिर से उम्मीदवार बनाया है। आज उनका उत्साह देखते ही बन रहा था, जब हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ वे नामांकन कराने पहुंचे। भीड़ देखकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से संयम में रहने की भी अपील की। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा के कुंवर सर्वेश सिंह के मुकाबले कांग्रेस ने शायर इमरान प्रताप गढ़ी और सपा ने मीट कारोबारी नासिर कुरैशी को उतारा है और दोनों ही अपनी पार्टी में जमकर विरोध का सामना कर रहे हैं। हमारी तैयारी हमेशा एक सी रहती है, हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अपना मुकाबला किससे मानता है? मेरा मुकाबला किसी से नहीं, आप स्वयं देख रहे हैं। जिसके साथ 50,000 कम से कम परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद नॉमिनेशन में हैं, तो अब लगा ले कितने वोट होंगे यार। कम से कम जनसंख्या जो मौजूद होंगे हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं सब, मुझे तो करने की कुछ आवश्यकता है। जिसका 50,000 का यह मौजूद है नॉमिनेशन में, तो लगा लो कितना वोट होगा। कल इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी का भी रोड शो हुआ है, तो उनका भी उसमें कहना यह था कि जो उनकी सीधी टक्कर भाजपा से और वो हरा के ही जाएंगे। ये 23 मई को सब सामने आ जाएगा, कहने में करने में अंतर होता। तो आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस साहब की सीधी टक्कर है? मेरी टक्कर ही नहीं है किसे, किन मुद्दों पे चुनाव इस बार वो भी मुझसे ही मानेंगे और समाजवादी भी मुझसे ही मानेंगे, जो खड़े होंगे सब मुझसे ही टक्कर बताएंगे। मेरा किसी को टक्कर नहीं, मैं हमेशा राजनीति दुनिया करती है, करने का तरीका सबका अलग होता। कुछ समय करते हैं और मैं 12 महीने अपने परिवार के दुख दर्द में काम आता हूँ, विकास कराता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। 5 साल ये नहीं कि 6 महीने सेवा करूँ और 4.5 साल तब से करूँ। जितना मैंने काम करा दिया होगा पूरी लोकसभा में, इतना कभी नहीं होगा देश आज़ाद होने के बाद। और परिवार उस बात को मानता है। आज किसान को इतना बड़ा काम है, गेहूँ कटाई प्रारंभ हो चुकी है, गन्ना बोना चल रहा है, गन्ना डल रहा है, और आज फिर भी देहात से 5 विधानसभा से कम से कम 50,000 वो मेरे परिवार के सदस्य काम छोड़ कर यहाँ उपस्थित हैं, धूम में सुबह से भूखे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों के लिए आप आगे? हम हमेशा चुनाव विकास और मान सम्मान के ऊपर चुनाव लड़े हैं। हमारे परिवार का मान सम्मान सुरक्षित है जब तक हम हैं, और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। विकास हमने जितना करा दिया इतना लोकसभा में कभी नहीं होगा, ये आपको भी जानकारी है, ऐसा नहीं जो आपको छुपा होगा। किसान नाराज है, उन्हें कैसे मनाएंगे? किसान कोई नाराज नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में किसान मौजूद है यहाँ पर, ये सारे किसान ही हैं। 50,000 में तो मुश्किल से 1,000 व्यापारी होंगे, 49,000 किसान होंगे। हम तो खुद देहात के हैं, मैं तो रहता ही गाँव में। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और इस बार पुनः 2019 के लिए लोकसभा के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश कुमार सिंह जी द्वारा थोड़ी सी आईडी तो सेट कर, आज बहुत भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ नामांकन कराया गया है, और कल से अब मोदी 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 है तो मुमकिन है, और वो आप देख रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इस बार विकास के नाम पर ये चुनाव होने जा रहा है, और जनता जाति बिरादरी और इन सब जो चीज़ें चल रही हैं उन सब से ऊपर उठकर अंतरिक्ष में जो आपके कारनामा 3 दिन पहले हुआ है, ये पब्लिक जनता देख रही है, देशवासी देख रहे हैं। और मोदी जी ने हमेशा 130 करोड़ देशवासियों के लिए कार्य किया है, और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी एक बार पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। मुरादाबाद में कुंवर सांसद सर्वेश कुमार सिंह
भारी बहुमत से जीत के आने वाले हैं। अरे इमरान प्रताप गढ़ी ने अपनी फेसबुक पर लिखा कि खुश नसीब है मुरादाबाद की जनता मुझ जैसे नेता को वोट करेगी। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि चूंकि कांग्रेस के पास अब कोई मुरादाबाद शहर में प्रत्याशी मिला ही नहीं तो बाहर से इम्पोर्ट करके लाना पड़ा उन्हें।